हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बनाते हैं टमाटर की मज़ेदार रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। तो इसको बनाना तो बनता है। इसको आप पूरी, पराठा, नान, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप फ्रिज में इसको स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हो। तो चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए और इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये बिल्कुल मैंने लाल लाल टमाटर ले लिए हैं क्योंकि इनके अंदर से जो है अच्छी अमाउंट में पल्प निकल के आता है और इससे चटनी बहुत ही ज़्यादा बनती है। और मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें सारे टमाटर ऐड कर लिए हैं। इसमें मैं डालूँगी कम से कम 10 लाल मिर्च, अगर आपके पास हैं तो डालिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर को हम अच्छी तरह 10-15 मिनट तक पकाएंगे जब तक इनका छिलका अलग ना हो जाए एकदम ऐसे। और ये हो चुका है तो हम इसको अब निकाल देते हैं एक छन्नी की मदद से। मैंने ये सारे टमाटर निकाल लिए हैं और इनका आप छिलका उतारेंगे। मैंने छिलका भी निकाल लिया है और अब इनको मिक्सी के जार में पीसेंगे। मैंने 2 टुकड़ों में इनको काट लिया है, इनको मिक्सी के जार में पीसेंगे। मैंने इसको मिक्सी के जार में पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम एक पतीली में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने सारा इसमें डाल लिया है और इसको गैस में चढ़ाएंगे और चलाते रहेंगे एकदम जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। और एकदम इसका सारा पानी सूख गया है और अब केवल पल्प पल्प बचा है। तो इसको आप निकाल लेंगे क्योंकि अब इसमें पल्प ही बचा है। मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच राई और मैंने अदरक और लहसुन को बिल्कुल माइन चॉप कर लिया है। अब इसको डालेंगे। और इसको अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि सुनहरा ना हो जाए। ये सुनहरा हो चुका है तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर का पल्प और साइड से डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को तेल में भूनने से जो है चटनी में एक अच्छा सा कलर आता है। अब हम सब चीज़ों को एक साथ मिला देंगे और कम से कम 5-10 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। मैंने इसमें 1 नींबू का रस डाल दिया है पर मैं वीडियो में दिखाना भूल गई। अगर आपको लंबे समय तक ये स्टोर करके रखना है 5-7 महीने 8 महीने तो आप 1 कटोरी विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डाल सकते हैं। नींबू या विनेगर डालने से चटनी का स्वाद जो है डबल हो जाता है, तो आप ऐसा ज़रूर डालिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक बार चटनी बनाकर ज़रूर देखिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो साइड से तेल रिलीज होने लग गया है तो हम इसको अब निकाल देंगे। और ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए।
आप इसको खुले में ना रखिए, फ्रिज में किसी एयरटाइट कंटेनर में ही रखिए, वरना ये ख़राब हो सकती है। और आपका लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।